हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अमिता की किचन से। फ्रेंड्स, आज मैं चीज़ पनीर सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको आप झटपट बच्चों के लिए बना सकते हैं। जैसे बच्चों को छोटी मोटी भूख लगती है शाम को या फिर कभी भी, तब आप इस सैंडविच को बना सकते हैं, बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं, ये हेल्दी भी होता है। तो चलिए आज की रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। चीज़ पनीर सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले हमें स्टफिंग तैयार करनी होगी। तो उसके लिए एक मैंने नॉनस्टिक पैन लिया, इसमें मैं 2 टेबल स्पून के करीब रिफाइंड ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। इस ऑयल को अच्छे से गर्म कर लें। अब इसमें मैं 2 से 3 बारीक कटे हुए लहसुन वो ऐड कर रही हूँ। साथ ही आप इसमें ऐड कर दीजिए, एक मीडियम साइज़ का मैंने यहाँ पर प्याज लिया था जिसको बारीक कट कर लिया है, वो ऐड कर देंगे। अब गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और इनको मीडियम फ्लेम पर हम भूनेंगे। इन प्याज को ट्रांसपेरेंट होने तक और इनका क्रंच बना रहे, इस तरीके से आपको इनको भूनना है। तो यहाँ पर मैंने कुछ ही सेकंड्स इनको चलाया है मीडियम फ्लेम पर और आप देख सकते हैं हमारे प्याज ट्रांसपेरेंट हो गए हैं और अभी भी क्रंच बना हुआ है प्याज के अंदर। यहाँ पर मैंने एक छोटे साइज़ का टमाटर लिया था बारीक कटा हुआ, वो ऐड कर देंगे और इन टमाटर को भी प्याज के अंदर अच्छे से भून लेंगे। अच्छे से मतलब कि जब तक टमाटर हमारे सॉफ्ट नहीं हो जाते तब तक हम इन टमाटर को इसी तरीके से प्याज के अंदर भूनेंगे। अब मैं यहाँ पर एक स्मॉल साइज़ की मैंने शिमला मिर्च ली थी, जिसको मैंने बारीक कट कर लिया है चाकोर पीस में या फिर स्लाइस में, आप जैसा चाहे वैसे कट करके इसमें ऐड कर सकते हैं। और सब्ज़ी को भी हमें इसी तरीके से भूनना है मीडियम फ्लेम पर, हल्का सा ही, सब्ज़ी के अंदर भी क्रंच रहना चाहिए ताकि सैंडविच के अंदर अच्छा लगे। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ पिज़्ज़ा सॉस, आप चाहे तो शेजवान जो चटनी आती है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो 1.5 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पर पिज़्ज़ा सॉस ली है और 1 चम्मच के करीब हमें लेनी है टमाटो सॉस। तो इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए मीडियम फ्लेम पर। अब हम इसमें नमक का यूज़ करेंगे, तो थोड़ा सा ही नमक यूज़ करेंगे क्योंकि जितने भी हमने टमाटो केचप या फिर पिज़्ज़ा सॉस डाली है उसमें भी नमक होता है, तो ये ध्यान में रखते हुए आप इसमें नमक ऐड कीजिए। तो नमक को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इस स्टफिंग के अंदर ओरिगैनो का और चिली फ्लेक्स का यूज़ करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, इनसे जो फ्लेवर है सैंडविच का वो बहुत बढ़ जाता है। तो यहाँ पर मैं चिली फ्लेक्स भी ऐड कर देती हूँ और अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। ये सैंडविच बहुत ही टेस्टी लगता है, एक बार बनाकर ज़रूर देखिए। साथ ही मैं डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ हरा धनिया, वो भी मिक्स कर देंगे। अगर आपके बच्चे खाते हैं तो आप डाल लीजिए, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। 50 ग्राम्स के करीब मैंने यहाँ पर पनीर लिया, तो जिनको बारीक पीस में चाकोर पीस में मैंने कट कर लिया है उसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक बार बच्चों को बनाकर देखिए तो बच्चे आपसे बार बार फरमाइश करेंगे इन सैंडविच की। तो स्टफिंग तो हमारी तैयार है, पर इसको हम थोड़ा सा कुक करेंगे। तो पैन को मैं ढक देती हूँ ताकि पनीर के अंदर सारे मसाले का जो फ्लेवर है वो चला जाए। तो 2 मिनट के लिए सिर्फ मैंने प्लेट को ढका था और यहाँ पर देखिए पनीर हमारे सॉफ्ट भी हो गए, पनीर के अंदर सारा फ्लेवर चला गया है मसालों का। तो ये हमारी स्टफिंग तैयार है, गैस ऑफ कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है वाइट ब्रेड स्लाइस, मेरे पास छोटे वाले स्लाइस थे, अगर आपके पास बड़े वाले हैं तो बहुत अच्छा है, और ब्राउन ब्रेड भी आप ले सकते हैं। इस पर मैं लगा रही हूँ थोड़ी सी टमाटो केचप और ये स्टफिंग भी अच्छे से हम लगा देंगे। स्टफिंग को ब्रेड पर अच्छे से लगाने के बाद में अब मैं इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ मोज़रेला चीज़, जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है। आप देखिए मार्केट में बहुत तरह के चीज़ आते हैं स्लाइस वाले या स्प्रेड वाले, कोई भी आपको पसंद है वो आप ले सकते हैं। तो मैं अच्छे से कवर कर देती हूँ स्टफिंग को ग्रेट किए हुए चीज़ से। तो यहाँ पर देखिए हमारा सैंडविच बिल्कुल तैयार है। ऊपर भी मैं इस तरीके से एक लगा देती हूँ ब्रेड का पीस। और यहाँ पर मैंने लिया है नॉनस्टिक पैन, मैं देसी घी का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो बटर का यूज़ कर सकते हैं। गैस का फ्लेम अभी हाई है, मैंने पैन के ऊपर अच्छे से देसी घी लगा दिया है। अब यहाँ पर मैंने 2 सैंडविच बनाकर तैयार किए हैं, तो वो मैं लगा देती हूँ अच्छे से। और बहुत ही मतलब इनको अच्छे से सेकना है तभी ये आपके बहुत क्रिस्पी बनेंगे। तो बिल्कुल लो फ्लेम पर इनको स्पैचुला से दबाते हुए बहुत ही क्रिस्पी बना ले दोनों साइड से। आप खाएंगे तो बहुत ही बढ़िया लगेंगे, अंदर से पनीर और ऊपर से क्रिस्पी जो ब्रेड का ये स्वाद आता है वो बहुत अच्छा लगता है। एक बार बनाकर देखिए तभी आपको पता लगेगा। तो मैं इसको दबा दबा कर लो फ्लेम पर सैंडविच को तैयार कर रही हूँ।
तो बस हमारे सैंडविच बिल्कुल तैयार है। मैं आपको इनको कट करके दिखाऊंगी कि कितने क्रिस्पी बने हैं। तो एक नाइफ से इनको गरम गरम कट करेंगे और गरम गरम ही सर्व करेंगे। और ये देखिए, इस तरीके से आप कट कर लीजिए। और स्टफिंग तो इसकी बहुत ही टेस्टी बनी है, जब आप बनाकर देखेंगे ना आपको तभी टेस्ट का पता चलेगा। तो ये हमारे सैंडविच तैयार है और गरम गरम ही सर्व कीजिएगा। इनको एक प्लेट के अंदर लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की मेरी रेसिपी अगर पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मैं फिर से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।